आप देख रहे हैं UMH न्यूज़। हाई टेंशन लाइन के करंट से दो की मौत, दो हाई टेंशन की चपेट में आकर बाल बाल बचे। मुआवजे की मांग को लेकर घंटों खेत में पड़े रहे शव। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, मौके पर पहुंची SDM और CO, भारी पुलिस बल के साथ लोगों ने की 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग। पीड़ित परिवार ने लगाया बिजली घर पर आरोप, एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं हुई लाइन ऊंची। खेतों में झूल रखे हाई टेंशन लाइट के तार, जिससे हो गया यह बड़ा हादसा। खुर्जा क्षेत्र के अनिया थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गांव दशहरा में दो की मौत हो गई, जिसे परिजनों में कोहराम मच गया। खेत में खाद डालते समय ट्रैक्टर ट्रॉली ऊपर से निकल रखी लाइन को छू गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है। मंगलवार की सुबह गांव दशहरी निवासी शिबू 24 साल पुत्र रामकिशन शर्मा और मूला 14 साल पुत्र धर्मेंद्र गांव दशहरा के जंगल में ट्रैक्टर ट्रॉली से खाद डाल रखे थे। खेत में खाद डालते समय ट्रैक्टर ट्रॉली ऊपर से निकल रखी हाई टेंशन लाइन को छू गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में हाई टेंशन लाइन का करंट दौड़ गया, जबकि शिबू के चाचा धर्मेंद्र ने कूद कर अपनी जान बचा ली। सूचना के काफी देर बाद भी बिजली विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि लाइन नीची होने के कारण यह हादसा हुआ है। क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ हादसा? ऐसा था, खाद फैला रहे थे ट्रैक्टर से, साइलेंसर से वो चिपट गया था। ये बिजली की लाइन इतनी नीची है जो साइलेंसर से टकरा गई। तो इसमें किस किस की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है? एक मेरा बेटा है जो बैठो, एक भतीजो वो चला रो, मैं और हमारा लड़का जो है का खाद खिला रहे ट्रॉली से। कब की घटना है ये? ऐसी है कोई 8:30 बजे की। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान दशहरा। जी, क्या मामला है? ये 11,000 की लाइन नीचे तार होने के कारण ट्रॉली से टच होकर के जो है दो परिवारों के जो है दो चिराग बुझ गए, जिसमें एक्सएन SDO जेई तीनों जिम्मेदार हैं। जो लाइनों के जो टूटे पड़े हैं तार, नीचे जो है दर दर लटक रहे हैं। न किसान खेतों से जुताई कर पाते हैं, न कुछ और कर पाते हैं। किसान ट्रैक्टर जो है आने वाला भी जो तैयार नहीं होता खेतों को जोतने के लिए। काफ़ी जो है इनको जो है रिपोर्टें दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती बिजली विभाग से। एक घंटे से, 1.5 घंटे से लाश पड़ी हुई है, लेकिन ना कोई SDN है, ना SDO है, ना JE है, कोई भी है मौके पर नहीं है, ना SDM मौजूद है। जब तक इन दो परिवार वालों को जो कोई मुआवजा नहीं होगा या कोई जमीन के लिए जो इनके लिए राहत कोष नहीं मिलेगी, तब तक जो हम यहाँ से ना डेड बॉडी उठने देंगे, ना ही जो है इन्हें यहाँ से हटने देंगे। SDM मौजूद है यहाँ, इनके लिए राहत कोष दें। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं UMH न्यूज पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।